तालियां बजाएं, बड़े आप सभी को बहुत बहुत होली महोत्सव की बधाई। भगवान योगेश्वर श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण परमात्मा की ओर से होली का आमंत्रण, बहुत बहुत नाम संकीर्तन भाव श्रद्धा। आनंद के साथ हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा अखिल निखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि के आसीम दया करुणा और कृपा से आज होली महोत्सव श्री नाम जप साधना शिविर की प्रथम दिवस में आप सभी का धर्म प्रेमी बंधुजन भक्तिमती माताएं सबका हार्दिक अभिनंदन हृदय से धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। होली महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और पाल ग्राम नगर निवासी समस्त ग्रामीण बंधुजन माताएं बालक और वृद्ध सभी पाल नगर के लोगों को भी होली महोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और धन्यवाद। आश्रम के ब्रह्मचारी साधुगण समस्त चैतन्य युवा सिक्योरिटी संघ के स्वयंसेवक शिविर में अनेक अनेक सेवा कार्य को जिन्होंने स्वीकार किया है, भोजन सेवा, सफाई सेवा, नाना प्रकार की सेवाएं, माइक सिस्टम सेवा, लाइट व्यवस्था सेवा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और होली महोत्सव में भगवान के साथ, संतों के साथ धर्मनिष्ठ होकर आप सभी को आमंत्रण है, स्वागत है। प्रिय बंधुओं, केवल कहने और सुनने की ही बात नहीं रहती है, सत्य होता है और सत्य सामने होता है। सत्य का अभाव नहीं, असत्य का अस्तित्व नहीं। तीनों काल में युगो युगो से ये सृष्टि की रचना हुई, तब से जिन्होंने असत्य का पक्ष लिया, अन्याय का पक्ष लिया, अर्थात परमात्मा को छोड़ा, ईश्वर शरणागति कबूल नहीं की, सहारे सारे जहां के मालिक परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, उनको कभी भी आत्म संतुष्टि नहीं मिली, दुनिया भर की सुविधाएं मिली लेकिन आत्म संतोष नहीं मिला, आत्म आनंद नहीं मिला, और जीवन आया और वैसे ही चला गया।
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी महाराज ने कहा, जन्म आला हेला पानी वाहून वाहून मेला। ऐसे संसार में हजारों करोड़ों लोग आए और जिन्होंने सत्य का सहारा नहीं लिया उनको खुशियां नहीं मिली, अलौकिक आनंद नहीं मिला, परम शांति एहसास नहीं महसूस नहीं हुई और सभी से प्यार करना ये भी नहीं समझ में आया। आए और गए तो बहुत बहुत धन्यवाद परम पिता परमात्मा को देते हुए कि होली शिविर के लिए भी हमें भी स्वास्थ्य और प्रसन्न रखकर आपके सामने बिठाया और आपको भी बुलाकर लाए हैं और हमारे सामने बिठाकर होली महोत्सव की शुरुआत की। क्यों कि ईश्वर की इच्छा के बगैर, प्रभु इच्छा के बिना यहां पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। ये हाड मास का शरीर सभी का इस दुनिया में, उसमें जो ऊर्जा है जो पावर है वो परमात्मा का प्रसाद है, नहीं तो श्वास बंद हो जावे, जगह पर ही ढेर हो जावे, एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा की परम कृपा को दुनिया के सभी जीवों ने हृदय से स्वागत करके स्वीकार करना चाहिए, ये परम सत्य है। और आज से जो शुरुआत है शिविर की, माध्यम कुछ भी हो, करना है हरि गुण गान, भगवान का नाम गुण और महिमा का बखान, इसका नाम भक्ति है। अगर किसी साधारण लोगों की आप चर्चाएं करते हो, खुश होकर प्रसन्न होकर अगर चर्चाएं करते हो, उसकी महिमा का बखान करते हो, किसी सेठ साहूकार कोई अपने वरिष्ठ कोई बड़ों का किसी का भी, तो उसे स्तुति कहते हैं कि वो उसकी स्तुति करता है, अपने पिताजी की मां की या बड़ों की राजा की किसी संत की स्तुति कर रहा है। और अगर उसकी गलत भाव से चर्चा करते हो किसी की भी, किसी माई भाई किसी की भी, सेठ साहूकार राजा प्रजा, गलत भाव से अगर उसकी चर्चा हम लोग करते हैं तो उसे निंदा कहते हैं, निंदा। निंदा से मन कलुषित होता है, स्तुति से मन खुश होता है। लेकिन उसमें एक तीसरा प्रकार है, भगवान की निंदा भी करे तो भी मन प्रसन्न होता है, भगवान की स्तुति भी करे तो भी मन प्रसन्न होता है। भगवान कहते कि चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और करोड़ों शास्त्र वेद पुराण कुरान थके सब में मेरी स्तुति है, मेरी चर्चा है। तो ईश्वरीय चर्चा जो होती है, परमात्मा के विषय में जो चर्चा होती है, वो परमात्मा की स्तुति है, परमात्मा की भक्ति है। अगर हम नाना प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की का वजह लेकर भी चर्चा करें तो कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कैसे शोभनीय नहीं है, भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा, चिदानंद परमात्मा, जो प्रकाश स्वरूप है, जो सबकी आत्मा बन के बैठा है छोटे छोटे प्रकाश रूप कण में, ऐसा ईश्वर जो है, ऐसा परमात्मा जो है, वह परमात्मा कभी इस धरातल के ऊपर, इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आकर
एक किसी ब्रज मंडल के एक एरिया में एक इलाके में और उधर सूक्ष्म एक साधारण मानव रूप लेकर के किसी अनन्य उच्च कोटि की आत्माएं जिन्हें बाल ग्वाल गोपियां नंद यशोदा नाना प्रकार के नामों से याद किया गया, उनके साथ क्या कभी होली खेली, कभी होली का महोत्सव मनाया? अगर परमात्मा की उस विराटता के ऊपर दृष्टि डाले तो थोड़ा सा मन में लगेगा कि ये कुछ शोभा नहीं देती बात, ऐसा कैसे हुआ होगा। लेकिन परमात्मा का मतलब है जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्रतुम शक्यम अक्रतुम शक्यम अन्यथा क्रतुम शक्यम, वेदों का सूत्र है ये। क्रतुम शक्यम, कुछ भी करना शक्य है उस नियंता के लिए। अक्रतुम शक्यम, कुछ भी नहीं करना शक्य है उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा के लिए। अन्यथा क्रतुम शक्यम, कुछ भी नहीं करना शक्य है उस परमात्मा। राई का पर्वत बनाना भी संभव है, पर्वत की राई बनाना भी संभव है, और ज्यों का त्यों रहने देना भी संभव, कुछ भी नहीं करना। क्रतुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा परमात्मा है। इसके लिए ईश्वर के महिमा पर किसी प्रकार का भी संदेह करना अपनी आत्मा के साथ धोखा करने जैसा रहता है। किसी भी प्रकार का संदेह ईश्वर की महिमा पर नहीं करना चाहिए किसी ने, ऐसा कैसे हो सकता है। परात्पर परब्रह्म चिदानंद घन परमात्मा और वहाँ अखिल निखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा, और वो क्या कभी होली मनावे किसी ग्वाल वालों के साथ, गोप वालों के साथ, ऐसा बुद्धि को पसंद नहीं आता, यूं समझो। लेकिन क्रतुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा क्रतुम शक्यम, यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऐसा ईश्वर चिदानंद परम प्रकाश स्वरूप सबका प्राणाधार, हमारी जो पृथ्वी है जिस पर हम बैठे, ये धरती अर्थात मृत्य लोक, एक देशीय बात मैं नहीं करता हूं, छोटी बात नहीं करता, क्योंकि भगवान बड़े से बड़े हैं तो उनकी सारी बातें बड़ी करनी चाहिए। मैं धरती की बात करता हूं, पृथ्वी की समस्त सृष्टि जिस पर सारी दुनिया रहती है, ये एक गोला, ये पृथ्वी, ध्यान में ले लेनी चाहिए ऐसी बात। फिर उसका चित्र मन में बन जाता है, और मन में जब चित्र बने तो उसका आनंद आता है, और कोई भी चर्चा अगर ठीक से सुनी जाए तो काल्पनिक एक दृश्य बन जाता है दिमाग। मैं जिस चीज का वर्णन करूं वो एक कल्पना है। गेंद गेंद की तरह गोल ये पृथ्वी, और इसके ऊपर सप्त समुद्र चिपके हुए हैं, और सारे दुनिया के देश चिपके हुए हैं, सारे जंगल पहाड़ पर्वत पानी समुद्र देश सब सब इस गोल पृथ्वी के ऊपर चिपके हैं, और सबको लेके वो ब्रह्मांड में घूमती है पृथ्वी। अभी अपन घूम रहे हैं, जैसे झूले चलते ना यात्राओं में, जत्तर भरती है, यात्राएं भरती है, उसमें डोले चलते गिरे, लड़के लोग बैठते बच्चे घूमते।
ये पृथ्वी हम सब सारी सृष्टि को लेकर घूम रही है सारे ब्रह्मांड में। पृथ्वी सूर्या भोवती फिरते आणि स्वतः भोवती पण फिरते, ये डबल खुद भी ऐसे 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 घूमती और ऐसे भी घूमती। इसको कहते मृत्य लोक। मृत्य लोक का मतलब है यहां जो पैदा होगा वो मरेगा, इस दुनिया में कोई भी हो उसका नाम मृत्य लोक। ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसे अनंत लोक है। हमारा जो सूर्य मंडल है, हमारा जो सूर्य है, इसको नौ ग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह है, ऐसे नौ ग्रह का एक सूर्य मंडल है, इसका एक राउंड एक मंडल एक ग्रुप, ऐसे अनंत मंडल। वेदोक्त ऋषियों ने 50 सूर्य का खोज किया, अभी तो एक ही सूर्य। तो ये मृत्य लोक में ऐसे जो अनंत लोक है, इस पृथ्वी से लगकर 14 लोगों की चर्चा की गई। वेदों ने तो अलग से हटकर अनंत लोकों की बात की है। भगवान राम जी के स्तुति में आता है कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। लेकिन 14 लोगों की जो चर्चा की है वो 14 लोगों का हमारा सर्कल, ये पृथ्वी लोक का। सप्त लोक ऊपर और सप्त नीचे। भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, ये सप्तलोकों की चर्चा है। ये सात लोग पृथ्वी के ऊपर, सात लोग पृथ्वी के नीचे की चर्चा है। अतल, वितल, तलातल, रसातल और पातल। अतल, वितल, तलातल, रसातल और पातल और मृत्यु लोक। कभी कभी परमात्मा को 14 भुवन के नाद भी कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है। बापूजी ये क्या सब सच होगा? परम सत्य। साधना करो तो आपको भी कोई न कोई लोक के दर्शन हो जाए, आप घूम कर भी आ जाओ। साधना करो तो ध्यान में जो चंद्रमा को आप आकाश में इन आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकते। कभी अच्छी साधना करने वाले गहरे साधक उस चंद्रमा को आंख बंद करके गहरे ध्यान में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सूर्य को देख सकते हैं, अन्य ग्रहों को देख सकते हैं, लोक लोकांतर देख सकते हैं। ऐसी अद्भुत माया। तो इन सारे लोकों में वह चिदानंद परमात्मा जो निराकार है, वो समय समय पर कहीं न कहीं आकार में प्रकट होकर कोई न कोई लोकों में अवतरित होते रहते। अवतरित का मतलब है नीचे आना। तो कभी कभी इस मृत्यु लोक में भी प्रकट होते। इधर है आपका।
उसी एक चिदानंद लीला का वर्णन आप और हम लोग करेंगे 5 दिन के इस साधना शिविर में। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा, मैं आज लेट हो गया, प्रथम दिवस है इसे। अभी आपने जाप किया, जाप वाला बड़ा सुंदर सिस्टम शुरू हुआ चारुकेश्वर साधना शिविर से। अच्छा लगता है कि बंधन कारक लगता है? ईमानदारी की बात है, मेरे डर में नहीं बोलना। अच्छा लगता है जब करते हैं ईश्वर नाम का अनुसंधान, आत्मा अनुसंधान, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो सिस्टम है उसे आत्मा अनुसंधान कहते हैं, जिससे रूहानी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। और जिसका आध्यात्मिक रूहानी शक्ति का विकास होगा उस पर वो ज्यादा उतरेगा, उसकी रहमत कृपा बरसेगी परमात्मा। जो जितना पात्र खोल कर बैठेगा उतना ही डाला जाएगा, और जो बंद रखेगा उसमें कुछ नहीं। तो कैसा जीवन होना चाहिए सत्संग में? संत कबीर साहब कहते कि घड़ा पक्का हो, घड़ा सीधा हो और घड़ा खाली हो, ये 3 शर्त है। कौन सा घड़ा? ये शरीर में, इसको ब्रह्मांड कहा गया, ये ब्रह्मांड है, ये निर्माता है हर चीज का। यहां से ऊपर इसको ब्रह्मपुरी कहा है, ब्रह्म अर्थात सृजन करने वाला। कोई भी विचार आपके मस्तिष्क में पैदा होगा और विचार मस्तिष्क में पैदा होने के बाद आपको कुछ करने की इच्छा होगी और कुछ करोगे तो कुछ बनेगा, कुछ होगा, तो इसे ब्रह्मांड, ब्रह्मपुरी। और यहां से कंबर के हिस्से को विष्णुपुरी कहा, अर्थात पालन पोषण करने वाला। तो इधर से तो मसाला डाल दिया जाता है, जो भी मसाला हो। अभी आपने सुबह सुबह कुछ डाला नहीं है, अभी शुरू होगा, यहां से उठेगी शुरू, ये डालो वो डालो, डालना ही पड़ता है। वो जनरेटर चलेगा नहीं, नहीं जनरेटर चलेगा, शरीर चलेगा। तो यहां से डाल लिया और भीतर गया और फिर वहां से उसके 6 प्रकार के रस बन के समस्त शरीर में क्या होता है, स्पोर्ट होता है। मैं उसके क्या नाम जो है, तो हम लोग साधे, हमको इंग्लिश आती नहीं है और मुझे भी नहीं आती, मेरे भक्तों को नहीं। रेखा किसी को आवे तो वो कोई बात नहीं, प्रसार होता है यहां से ऊर्जा का, सर्कुलेशन। विष्णुपुरी में से, पेट में से, सब जगह ऊर्जा जाती है, मस्तिष्क में, हाथ पैरों में, सब जगह। और कमर के नीचे का भाग शिवपुरी, जो कुछ लिया दिया, जो कुछ खाया पिया, जो सब सपा खत्म, कोई महत्व नहीं रहे। ये सारी व्यवस्था है। परमात्मा को 3 भागों में बांटा गया, तो जी भक्ति है भाई,
रचयिता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शिव भगवान। ये शरीर पिंडी ते ब्रह्मांडी, ये पिंडी दिशे ते ब्रह्मांडी वसे, जो पिंड में सो ब्रह्मांड, ऐसी अद्भुत रचना। इसलिए ऐसे परत्पर ब्रह्म परमात्मा को भाव से किन्हीं पदों के द्वारा याद करेंगे और उसके बाद विराम देंगे, क्योंकि अपना टाइम उतना ही है। कितना टाइम है? 6 से 9 तक के। जप करना, ध्यान करना, घंटा भर सत्संग करना, क्योंकि बरसों से आप सत्संग सुन रहे हैं। अब ज्यादा सत्संग की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। अगर आप जाप करोगे तो आत्म संतुष्टि मिलेगी। संतों ने कहा, भरत जी ने कहा रामचरितमानस में, कामिनार प्यार जिमी लोभी के प्रिय नाम, कामिनार प्यार जिमी लोभी के प्रिय नाम, ऐसे ही निरंतर प्रिय लागे मोहिरा, प्रिय लागे मोहिरा। इतनी लालुच होना भगवान के नाम, ऐसा कहा। मैं भी सोचता हूं मुझे भी बहुत लालुच होना चाहिए, उतनी लालच हो नहीं पाती है, भयंकर लालच। लालची आदमी पागल हो जाता है। किसी की किराना दुकान हो, किसी का कोई बिजनेस हो, धंधा हो, और वहां पर भीड़ हो लेने वाले लोगों की, ग्राहकों की, खाना पीना नींद सब भूल जावे, पेशाब टट्टी करना भी भूल जावे। और कोई कोई लोग तो मजाक में कहते कि महाराज क्या करे, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं, इतना धंधा चलता है। अच्छा, पहले तो बोलते थे खाने की फुर्सत नहीं, बात करने की फुर्सत नहीं, इतना काम में मैं बिजी रहता हूं। आप बोलने लग गए मरने की भी फुर्सत नहीं, नई एक फैशन निकाली का, खाने पीने की फुर्सत भले ना हो लेकिन मरने की फुर्सत तो जब मौत आएगी तो अपने आप हो जाएगी। तो तेरे कहने से थोड़ी थोड़ा कि मुझे फुर्सत नहीं है। जब मौत आएगी तो जहां आएगी, जिस क्षण आएगी, उस दिन उसी क्षण लटक जाएगा, बरोबर फुर्सत हो जाएगी। कबीर साहब ने कहा, सूता सूता क्या करे, सोया सोया क्या करे, जागत जपे रे मुराद। क्या करता है सो जागते भी जा, कभी मुरारी का चिंतन किए जा, भगवान का सुन। सूता सूता क्या करे, जागत जपे रे मुरार। कबीर एक दिन सोवेगा, लंबे पाव पसार। कबीर एक दिन सोवेगा, लंबे पाव पसार, लंबे पाव पसार। अरे सुता सुता क्या करे, कितना सोता है, जागत जपे मुरार। जब नींद खोले तब याद कर भगवान, क्योंकि एक दिन सोने वाला है, लंबे पाव पसार।
फिर कोई जगा है तो जगने वाला। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भक्त रविदास, तुम संत रविदास, महान भगवत भक्त है और अपने काम में मशगूल रहते, बिजी रहते। क्या काम है संत रविदास का? जूते बनाने का काम। जूते बनाते रहते हैं और निरंतर भगवान के नाम में गुणों में मस्त रहते। उन्होंने ये पद बनाया है, तुम चंदन हम पानी, प्रभु चंदन हम पानी, हो जाकी अंग अंग बास समानी, हो जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा रे, तुम घन बन हे प्रभु, हे मेरे राम, हे गोविंद, हे मालिक, हे परमात्मा, तुम घनबन आकाश में छाने वाले घने बादल हो। अगर आकाश में बादल आ जाए तो मयूर नृत्य करने लगता है, मोर नाचने लगता है, उसको सेंसेस होता है, उसको मोर नाचने लगता है, अपने पंख फुलाकर उसकी खुशियों का पार नहीं रहता। संत रविदास महाराज कहते हैं, तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम घने बादल हो, हम मयूर है,
बादल के आते ही मयूर नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। हे प्रभु, हे भगवान, तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसा चकोर पक्षी चंद्रमा को निरंतर निहारते रहता है, और चंद्रमा के उदय होते ही चकोर पक्षी की खुशियों का पार नहीं रहता हमारा। प्रभु जी तुम मोती हम धारा, प्रभु जी तुम मोती हम धारा। बैठे बैठे संत रविदास को क्या शब्द सुनिए महाराज, ये भावना से सोचते हैं। सभी का आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जितने भी मनुष्य मात्र है दुनिया में, मनुष्य क्या, सारे प्राणी सारे पेड़ पौधे सब में आत्मा है, लेकिन मानव में ज्यादा प्रकट है। इसलिए मनुष्य ज्ञान स्वरूप है, कोई भी अज्ञानी नहीं है, वो ठहर कर सोचता नहीं है, अपने आप को मौका नहीं देता, इसलिए अज्ञानी जैसा काम करता। एक महापुरुष ने चर्चा की कि मूर्ख और समझदार में क्या अंतर है। अपन किसी को गुस्से में कहते हैं बड़ा मूर्ख है, मूर्ख कहीं कहीं मूर्ख, ये बड़ा समझदार है, बड़ी अच्छी बात है समझने, बहुत बड़े दार्शनिक। मूर्ख और समझदार में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा जरा सा अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है मूर्ख और समझदार। समझदार एक बार गलती करे तो दोबारा उसको दोहराता नहीं। गलतियां इस धरती पर संसार में सबसे होती है, मनुष्य मात्र से गलतियां होती हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कह नहीं सकता कि जीवन में मैंने कोई गलती नहीं की, कोई हरकतें नहीं की, कोई अशोभनीय कार्य नहीं किया। परंतु जो एक बार उससे किसी क्षेत्र में गलती हो जावे और फिर वो उसको दोहराता नहीं, दूसरी बार नहीं करता, उसका नाम है समझदार। और जो एक बार गलती करे फिर दोबारा गलती करे, फिर तीन बार गलती करे, फिर दस बार गलती करे, गलती पर गलती ही करता जाए, उसको कहते मूर्ख। उसको क्या कहते? मूर्ख। अभी आग है और आग को आपने टच किया, अग्नि को, आग को अचानक आपका हाथ लग गया और चटका लगा, आग का चटका लगते ही फिर समझदार आदमी दोबारा आग को हाथ लगाएगा क्या? कभी नहीं लगेगा, बहुत खोटा काम है भाई। बिजली का करंट किसको लग गया तो उसको अनुभव हो गया कि करंट कैसा होता है, फिर बाद में हाथ लगाएगा और बाद में भी बेसावधानी से काम करे तो फिर वो मूर्ख। ये बड़ा खोटा काम है बिजली का, हाथ लगावे तो प्राण भी जा सकते, मर सकता है ज्यादा वोल्टेज हो तो। इसलिए समझदार एक बार लग जावे, बार बार फिर ऐसी गलती नहीं। ऐसे जीवन में हरेक गलती है, जो गलतियों को बार बार दोहराता है उसको मूर्ख कहते हैं, और जो गलती करके फिर सावधान हो जाता है कि ऐसी गलती नहीं करेंगे, उसे समझदार। प्रभु जी तुम मोती हम धारा, प्रभु जी तुम मोती हम धारा। संत रविदास के शब्द है, जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे
सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती इतना संबंध है परमात्मा और हमारा। रविदास कहते आपल्या गळ्यात जी माळ असते कशाची असो, मोत्याची असो, तुळशीची असो, रुद्राक्ष माळ असो, त्याचे जे मोती असतात त्याच्यामध्ये धागा दोरा आणि एका दोऱ्यामध्ये अनंत मोती गुंपलेले असतात। एक धागे में कितने मणि गुपे हुए होते हैं, जो माल होती है उसमें। लेकिन आधार कौन है उन मोतियों का? धागा। अगर धागा निकल जाए तो मोती बिखर गए, एक एक दाने बिखर गए। ये सारे सृष्टि का सूत्र जो है वो परमात्मा है। और जिस दिन वो अपना श्वास रूपी धागा निकाल लेता है शरीर में से, शरीर रूपी काया बिखर जाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। क्या प्यारे शब्द है संत रविदास के, हे प्रभु तुम स्वामी है हम दास। वाह, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। आप साधु जीवन में हो, ग्रस्त जीवन में हो, व्यापारी हो, नौकरी वर्ग में हो, बड़े बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर, वकील, कुछ भी हो, अपना कर्तव्य निष्ठा से करते करते अगर परमात्मा के साथ ऐसा जुड़ाव रहा तो संत रविदास ये साबित करते हैं कि मन चंगा तो कठोट में गंगा, मेरे चमड़े गलाने की जो कठोटी थी उसमें भी गंगा प्रकट हो। अगर भक्ति करे तो अपना काम बंद नहीं किया, बीवी बच्चों का पालन करना, मेहनत मजूरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान का सुमिरन शुरू है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रविदासा, ऐसी भक्ति चंदन पानी, प्रभु जी तुम चंदन पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम
जो संतों ने जो पद गाए, जो भी भजन गाए, कोई करुणामय है, कोई वैराग्यमय है, कोई प्रार्थनामय है, उसमें सब भाव होते हैं अलग अलग। संत रविदास ने जो ये पद बनाया वो एक प्रार्थनामय है। आप और हमारा इतना घनिष्ठ का संबंध है, फिर देरी क्या है? देरी इतनी है कि प्रभु जागत है, तू सोवत है, परमात्मा नित्य प्रकट है, अपन ही छुपते फिरते उसके सामने नहीं आते। जब वो और हम सामने आ जाते हैं तो उसी क्षण उसकी याद आने लगती है, उसी क्षण उसके लिए तड़प होने लगती है, उसी क्षण एक वैराग्य हो जाता है, संसार से विमुख मुड़ जाता है। जिस क्षण एक झलक भी प्रकट हो आत्मा में, उसी क्षण याद आने लगे, और जब याद नहीं आई तो समझ जाना पर्दा गिर गया। वो नित्य है, हम ठिकाने पर नहीं, वो तो शाश्वत है ना, परमात्मा शाश्वत। सूर्य देवता जो है वो एक जगह रहता है, वो ऐसा उगता और डूबता नहीं है। सूरज जो है, सूर्य नारायण, वो एक जगह ही रहता है। फिर बापूजी रोज कैसे क्या उदय होता है, अस्त होता है, कुछ नहीं होता। ये पृथ्वी जो है इसकी दिशा घूम जाती है। अभी जो ये पृथ्वी है ना, वो सूर्य के सन्मुख हो गई, अपना देश ये भारत देश, और ऐसे जो बहुत सारे देश है जो पूरबिया देश कहते हैं, पूरब वाले देश, पृथ्वी अभी जो है सूर्य के सन्मुख हो गए ऐसा। और अभी अमेरिका में अभी रात्रि हो गई। अमेरिका भी धरती पर ही है ना, कहीं बाहर है क्या? अमेरिका में अभी रात हो गई। क्यों? कि सूर्य जो है वो अभी हमारे सामने है, हमारे देश के सामने, और अमेरिका जो है उसको पश्चिमी देश कहते हैं, पाश्चात्य, हम पूर्व देश के लोग और वो पश्चिम देश के लोग, तो पश्चिम तरफ उधर हो गए। तो पृथ्वी ऐसे आ गई, सूर्य देवता ऐसे आ गए, अब ऐसे ऐसे जाएगा, यूं घूमेगी। अमेरिका में रात हो जाएगी और इधर जो है अब सवेरा हो गया, 9 बज रहे, उधर रात्रि हो गई। सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्या बहुत ही फिरते, स्कूल में पढ़ाऊंगा ना, सूर्य के चक्कर लगाते। ऐसा परमात्मा कहीं जाता आता नहीं है, हम ही उसके सन्मुख हो जाए तो उसकी यादें आने लगती, हम भक्त बन जाते, और उससे जो विमुख हो जाए, यूं पीठ घुमा ले तो हम 2 कोड़ी के हो जाते, भय चिंता टेंशन राग द्वेष सब शुरू हो जाते। क्योंकि परमात्मा से सन्मुख और विमुख, ये देश सामने आया तो यहां दिन हो गया, और ये जब घूम जाएगी तो इधर रात हो जाएगी। अभी 5 दिन आप भगवान के सन्मुख रहोगे, कभी कभी आ जाएगी झलक मन में कि क्या आफत हो गई, लेकिन कभी जाप करोगे, कभी सत्संग सुनोगे, कभी भगवान की बातें करोगे, कभी बापूजी की बातें करोगे, कुछ भी करोगे, जो ही आत्मस्पर्शी होगा वो परमात्मा के सन्मुख, उसमें आनंद, खुशी, उत्सव, शांति, सुख की अनुभूति होगी।
और परमात्मा से प्रतिकूल हुए कि दुख चिंता भय क्लेश ईर्ष्या द्वेष ये इसकी प्राप्ति, क्योंकि अब पृथ्वी सूर्य से विमुख हो गई कि इधर अंधेरा हो जाता है। अभी रात थी ना, दिनों ऐसा ही सूर्य रूप परमात्मा आप और हम सभी के भीतर है और नित्य सन्मुख रहने की कोशिश आप और हमने सबने करनी चाहिए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगला सही तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जन्म कोटि अगला सही। रामचरित्र मानस जब जीव मेरे सन्मुख होता है, सूर्य वहीं के वहीं है, जब पृथ्वी पूरब की तरफ हमारा देश आता है तो यहाँ उजाला हो जाता है, यहाँ सूर्योदय हो जाता है, और जब घूम जाती है पीठ की तरफ सूर्य आ जाता है, इधर अंधेरा हो जाता है। जब जीव भगवान के सन्मुख रहता है यानी आत्मा अभिमुख रहता है, अच्छी बात है, अपनी आत्मा के समक्ष रहता है, जिसको आत्मा अभिमुख कहते हैं, आत्मा अभिमुख जब जीव रहता है तो शांत रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है, आत्मा। और आत्मा विमुख जब होता है, जब भूल जाता है अपने आप को, तो पशुवत हो जाता है, भय लगने लगता है, चिंतित होता है, अपने आप को गरीब मानता है, यूं है, नकारात्मक। तो क्या करना चाहिए आप और हमने सबने, जितना हो सके परमात्मा के सन्मुख रहने की कोशिश करना, और जितना सन्मुख रहोगे उतना होली का उत्सव का आनंद आएगा। याद नहीं करना घर की, किसी की याद नहीं करना, आत्मा में संतुष्ट रहना, खूब जब ध्यान करना, सेवाएं करना, दौड़ दौड़ कर, जिस किसी प्रकार से अंधेरा न आए, चित्त में लोभ न आए, मेरा काम डूब गया, पांच दिन यहां आ गया तो काम डूब गया, लोभ में आ गया, हो गया बाल बच्चे छोड़कर आ गया, मोह में आ गया, विषय विकार में आ गया, तो उधर मन को जाने ही नहीं देना, मन को इधर उलझा के रखना, सन्मुख है जो होली उत्सव में होली मनाने आया। हमारो धन राधा 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 राधा, राधा 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 हमारो धन राधा 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 धर गोपाल की आनंद आपके भीतर है, शांति आप सभी के भीतर है, सुख आपके भीतर है, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, उसको जगाओ, प्रकट करो और आनंद के भागी बनो।
राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 तालियां बजा के अभी आपकी छुट्टी होने वाली है। आज लेट हो गया, आधा घंटा लेट आई गाड़ी में। राधा माने भक्ति, जो जीव को भगवान के सामने करे। राधा राधा जपत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम उखल में सर दे दिया फिर मूसल से डरना। उत्सव में आपने भाग लिया, कोई कंजूसी नहीं, फिर देखना नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, होली है। दादा का नृत्य बड़ा सुंदर है, क्या बात। राधा 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 हरि वो राधा 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 हमारो राधा राधा श्री राधे राधा हमारो राधा 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 हरि बोल 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 ह
बीच में।